तेरा क्या होगा कालिया? अच्छा सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार। हम गोली खाते हैं। अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो मैं तो चैन की सांस ले लूं। आए हाँ, सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर। लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता, बुरा न मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है। कमाने का तो ये है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ गई तो कमाने भी लगेगा। हाय राम, तो क्या लड़का अभी कुछ भी नहीं कमाता? नहीं नहीं मौसी, ये मैंने कब कहा, कमाता है, लेकिन अब आदमी रोज रोज तो जीत नहीं सकता, कभी कभी हार भी जाता है बेचारा। ऐ क्या कहा, हार जाता है? हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी है, अब मैं क्या कहूँ। ऐ तो क्या जुआरी है? ची, वो और जुआरी, ना 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 ना, वो तो बहुत सीधा और नेक लड़का है मौसी, लेकिन हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है भला? ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं। मौसी, आप मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। एक बार बसंती से उसकी शादी तो होने दो, बस वो उस नाचने वाले के घर जाना बंद कर देगा, बस। हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी। तो क्या किसी नाचने वाले के घर भी आना जाना है उसका? तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो बड़े बड़े राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ अच्छा, तो बेटा ये भी बताते चलो कि ये तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं भला? बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर भिजवा देंगे। एक बात की दाद तो दूंगी बेटा, भले तुम्हारे दोस्त के अंदर लाख बुराइयां हो, पर तुम्हारे मुंह से उसके लिए तो केवल तारीफ ही निकल रही है। अब क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है, तो मैं ये रिश्ता पक्का समझू मौसी? पक्का? अरे भले मेरी लड़की सारी जिंदगी घर बैठे रहे, पर मैं ऐसे लड़के के साथ उसकी शादी हरगिज नहीं करूंगी। अरे सगी मौसी हूँ, कोई सौतेली माँ नहीं हूँ। कमाल की बात है मौसी, मेरे इतना समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीरू न जाने क्या करेगा।